नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में डायरेक्ट मिलती रहती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि आंवला जो है उसको खाने से क्या फ़ायदा होती है, इसके बारे में जानाइए। दोस्तों अगर आप लोगों को आंवला का चूर्ण जो है उसको खाना है, तो समझिए कि खांसी सर्दी जुकाम बुखार जो है इसकी अंत होती है आंवला खाने से। उसका चूर्ण थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिए, उसके बाद में चूर्ण जो है इतना सा खा लीजिए, और खाने के बाद में ऊपर से पानी पी लीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम बुखार खांसी बलगम पित्त कफ ये सब रोग जो है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा, और आपके चेहरे पे जितनी भी दाग धब्बे लालिमा फोड़ा फुंसी होगी वो मिट जाएगी, और आपके पेट की कंडीशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसमें कसापन होता है, खटापन होता है, भूख भी लगेगा, आँखों की रोशनी बनी रहेगी, डाँड का दर्द पीठ का दर्द ये सब जो चीज़ है एक्जिमा ये सब चीज़ जो है वो नष्ट कर देता है। ऐसे ऐसे बीमारियों से बचना है तो आंवला का चूर्ण बना लीजिएगा, गर्मियों के मौसम में सुखा दीजिएगा धूप में। धूप में सुखाने के बाद में एक शीशी में भर करके रख देना है, और खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा सा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाने से भी हानि करता है, कम खाने से भी हानि करता है, तो थोड़ा सा खाना है। अगर आप लोगों को कफ की बीमारी है तो खाइएगा ज़रूर। ऐसे खाने से आप लोगों को तरह तरह सी बीमारी की से लड़ने की क्षमता उसमें रहती है, और तरह तरह की बीमारी होने वाली होगी वो नष्ट हो जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ हमेशा मिलती रहे, और आप लोग खुशहाल हर दम हर वक्त रहें। थैंक यू दोस्तों।